अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम है नूरी किचन ब्लॉग में, और आप सभी को मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को नूरी किचन ब्लॉग की तरफ से हैप्पी दिवाली। आप सबको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए, खुशहाल जाए, और आप सब उसे बहुत इंजॉय करें। तो आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। आज हम जा रहे हैं एक जगह पे, जहाँ मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, हम वहाँ जाने के बाद आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बस एक ऐसी आउटिंग के लिए जा रहे हैं, तो सोचा कि मैं आपके साथ में ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर साथ में रहिए, देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या एंजॉय करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय। हम लोग पहुँच गए हैं दूसरे स्टेशन, और अब हम जा रहे हैं ऊपर टिकट काउंटर के पास। ट्रेन बहुत लेट है, हम लोग इसलिए फटाफट आए क्योंकि हम लोग ट्रेन जल्दी टाइम पर रहेगी, लेकिन अभी ट्रेन खर्चत नहीं है। इसलिए फटाफट जा रहे हैं, तो हम कोई लगे भी ट्रेन में मिलते हैं। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, हम लोग टाइगर पर डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। ट्रैवल कर करके ट्रेन के दो दो ट्रेन चेंज करके, तो अभी हम लोग कहाँ जाने वाले एग्जैक्टली हमारा मेन लोकेशन वो हमको टाइगर पर मिल जाए पहुँच के बताएंगे। फाइनली हम पहुंच गए हमारे मेन डेस्टिनेशन पे, जो है वंडर्स पार्क, नेरुल ईस्ट साइड में आता है। तो मेरा और अहमान का हम लोग बहुत दिनों से, बहुत महीनों से जिद कर रहे थे मम्मी डैडी को कि हम लोग को नेरुल वंडर्स पार्क जाना है, क्योंकि हम बहुत लॉकडाउन से पहले आए थे। तो मम्मी डैडी बोले कि ठीक है चलो जाते हैं, तो हम लोग यहाँ आए थे। पहुँच गए हैं वंडर्स पार्क जो है नेरुल में। तो अभी यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ही गर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्दी है। तो देखते हैं हम लोग का लाइन, हम लोग का टाइम कब आता है, तब तो हम यहाँ पे करेंगे टाइम पास। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी बड़ी लाइन है, क्योंकि एक सुबह में कुछ 6 से 12 का टाइम रहता है, और शाम में कुछ 4 से 9 का टाइम रहता है। तो मम्मी गई है वहाँ पे टिकट निकालने के लिए, और हम लोग यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, और मम्मी आ गई है, तो अब हम अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाय गाइस, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हम लोग कहीं पे आने वाले हैं, तो हम आए हैं नेरुल में वंडर्स पार्क। और एंट्री टिकट का जो भी है ना, वो मैंने ऑलरेडी फ़ोटो निकाला है। तो एंट्री फीस कैसी है कि बड़ों की 35 रुपीज़ है और बच्चों की 25 रुपीज़ है। तो ये एंट्री फीस, और टाइमिंग सुबह में 6 से 12 का है, और शाम में 6 से 9 का है। तो चलिए अभी एंट्री लेते हैं और देखते हैं कैसे क्या है। तो अब हम अंदर तो आ गए, लेकिन हम बहुत एक्साइटेड भी है कि कब हम फटाफट राइड्स में जाके खेलते हैं, लेकिन हमें भूख भी बहुत लगी है। तो अब हम जा रहे हैं फूड कोर्ट में कुछ खाने के लिए, और यहाँ पे कितनी बड़ी लाइन है टिकट्स निकालने के लिए। तो अहमान अभी मम्मी को जिद कर रहा है कि मेरा फ़ोटोशूट करो, लोकेशन भी बता रहा है कि मम्मी इधर आओ उधर आओ, ऐसा शूट करो वैसा शूट करो, और मम्मी बेचारी उसके पीछे पीछे जा रही है। तो मैं और शिफा यहाँ पे बस हम लोग देख रहे कि क्या कहाँ है, और मैं तो वीडियो शूट करने के पीछे पड़ी हूँ। और यहाँ पे आपको फूड कोर्ट में हर चीज़ मिलेगी, जैसे कि पानी पूरी, भेल पूरी, शेव पूरी, मसाला डोसा, पाव भाजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ मिलेगा। और जो इसका भी प्राइस है वो सब आपको वहाँ पे वो टेम्पलेट पे पता चल जाएगा। तो बहुत मस्त लग रहा है, एकदम सुकून लग रहा है। तो देखते हैं अभी सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं। तो चलिए अभी हमारे साथ। तो
अब हम यहाँ पे आके हमारा सीट हमने पकड़ लिया है और यहाँ पे आपको वहाँ पे कूपन लेके फिर आपको काउंटर पे जाके वहाँ पे आपको बताना है कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। तो अब हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं, तो देखते हैं अभी कैसे ये दो बच्चों की फरमाइश पे, मतलब फरमाइश मेरी भी है लेकिन पहले ये दोनों से पूछेंगे फिर मेरा जो डिसीजन रहेगा कि मुझे क्या चाहिए वो हम मंगाएंगे, हम ऑर्डर करके फिर हम खा लेंगे। चीज़ सैंडविच हर जगह पे चीज़ सैंडविच क्या है यार, खाना प्लस नाश्ता फ्रंच किया था हमने, कुछ खाते हैं उसके बाद में हम लोग पूरा वंडर्स पार्क का सर्वे करेंगे, एंजॉय भी करेंगे और आपके साथ में शेयर भी करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अभी नाश्ता क्या मंगा रहे हो? नाश्ता भी हम देखते हैं क्या अच्छा लगता है उसके साथ। तो यहाँ पर मेरे साथ में बहुत मल्टीपल लोग वीआईपी लोग बैठे हैं और इनकी खुद की चॉइस बहुत अलग अलग है। जैसे एग्जाम्पल ये और ये, मैं ये बोलूँगी तो वो बी बोलता है, वो सी बोलती है, वो डी बोलता है। अभी देखते हैं कि हमें क्या होता है और जो भी हम मंगाएंगे वो हम आपसे शेयर करेंगे। हम लोग का नाश्ता आ चुका है, ये है ऐमान का नाश्ता, ये मम्मी और शिफा का नाश्ता और ये है मेरा नाश्ता, पर हम सब मिला के मिक्स करके खाएंगे। स्टार्ट करते हैं, बहुत भूख लगी हुई है, आप ही आइए खाने के लिए। चलो स्टार्ट। तो हमारा यहाँ पे खा के हो गया, अब हम यहाँ पे जा रहे हैं थोड़ा सर्वे करने के लिए। तो बस हम लोग ये यहाँ पे मम्मी आगे गई है, ये जो यहाँ पे स्टेडियम जैसा आपको दिख रहा है ना वहाँ पे हम लोग थोड़ा जाएंगे, थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा रील्स वगैरह शूट करेंगे, फ़ोटोज़ शूट करेंगे और उसके बाद में हम थोड़ा और आगे जाएंगे। तो ऐमान की भी यहाँ पे फ़ोटो शूटिंग चल रही है, पता नहीं इसको भी कौन सा भी फ़ोटो शूट का भूत लग गया है, तो अभी यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहा है। तो अब मैं मम्मी हम लोग मम्मी तो आगे आगे चले गई है तो हम पीछे पीछे जा रहे हैं मम्मी के। तो आपको ये जो एरिया दिख रहा है ना यहाँ पे म्यूज़िकल फाउंटेन स्टार्ट होता है 7:15 बजे समथिंग। तो अगर आप यहाँ पे जा रहे हो वंडर्स पार्क तो आप ऐसे टाइम पे जाओ कि आपको वो व्यू देखने के लिए मिले, क्योंकि बहुत अमेजिंग व्यू था और जितने भी लोग आए थे सबसे ज़्यादा उसी को बहुत इन्जॉय किया। तो अब हम आगे जा रहे हैं, तो हम लोग कुछ यहाँ पे 5:15 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे। तो हम लोग नाश्ता विश्ता करके हमको थोड़ा टाइम हो गया है, तब हम ये एम्फी थिएटर था, हाँ ये एम्फी थिएटर में यहाँ पर बैठ के पब्लिक ये जो म्यूज़िकल फाउंटेन था यहाँ पे व्यू कर रहे थे। सीरियसली बहुत अमेजिंग व्यू था, तो आप लोग भी ज़रूर इन्जॉय करना अगर आप जा रहे हो तो यही टाइम पर जाना। तो यहाँ पर बहुत अच्छा खासा कम से कम सुकून जैसी जगह थी, तो हम लोग ने कुछ 10-15 मिनट बैठे हम और अच्छा लगा। फिर ऐमान की ज़िद थी कि हम मुझे टॉय ट्रेन में बैठना है, क्योंकि जब से आया तब से वो टॉय ट्रेन की ही ज़िद कर रहा है कि मुझे बैठना है बैठना है बैठना है। तो फिर हम लोग ने ऐसे ही थोड़ा 10-15 मिनट बैठे, फिर उसके बाद हम निकल गए। तो मैं और मम्मी हम लोग दोनों ऐसे बातें करते करते जा रहे और वो वहाँ से चला गया। तो ये भी एक फाउंटेन ही है, बट एग्जैक्टली इसका नाम क्या है वो पता नहीं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा व्यू था इसका, रात के टाइम पे इसका व्यू बहुत अच्छा रहता है। तो हम लोग ऐसे इसको भी थोड़ा सर्वे करते करते जा रहे थे, थोड़ा वहाँ पे भी हमने थोड़ा रील्स फ़ोटो शूट किया,
फिर उसके बाद में हमारे को बहुत कंटाला रहा था एग्जैक्टली उसको जहाँ जाना तो वहाँ उसको जाने मिल नहीं रहा था, तो इसलिए फिर ज़िद कर रहा था तो हम लोग वहाँ से निकल गए। वहाँ पे भी हम कुछ पाँच दस मिनट बैठे और वहाँ से भी हम निकल गए। तो अब वो मम्मी के पीछे पड़ा है कि मुझे जाना है मुझे जाना है, तो मम्मी उसको ऐसी बातों में घुमा घुमा के उसको हम लोग ऐसे पूरा राउंड मार रहे थे गार्डन्स वगैरह का। तो अभी देखते हैं कि अभी नेक्स्ट हमारा कहाँ हम जाते हैं। तो ये जो टॉय ट्रेन था ना, इसका ये ट्रैक है, यहाँ से ट्रेन जाती है, पास होती है। तो अमान जानबूझ के वहाँ पे जाके खड़ा था कि उसको लगा कि यहाँ पे ट्रेन आएगी तो मैं यहाँ से ही चढ़ जाऊँगा। तो अब हम जा रहे तो अब यहाँ पे सामने की सामने एक इग्लू हाउस जैसा समथिंग कुछ था। तो अब अमान तो वहाँ पे चला गया कि फ़ोटो निकालने के लिए, शिफा भी इसके पीछे पीछे चले गए। तो अब मैं और मम्मी भी जा रहे हैं, तो हम लोग भी वहाँ पे कुछ 5 मिनट बैठे, अच्छा टाइम पास हमने किए। फिर बहुत मच्छर काट रहे थे वहाँ पे, इसलिए हम लोग वहाँ से जल्दी निकल गए। तो वहाँ पे नीचे ना ऑलरेडी टॉर्च लाइट समथिंग कुछ था, तो अमान उस पर पैर मार मार के इसको बंद कर रहा था, क्योंकि इसको मतलब आप देख ही सकते हो। तो हम वहाँ से भी निकल गए और अब हम जा रहे फ्लाईओवर के ऊपर से। तो फ्लाईओवर के वहाँ से फिर हम लोग ने वहाँ पे कुछ डक्स वगैरह थे, तो कब से आवाज़ आ रही थी बट पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ थे। तो मैं कब से ढूंढ रही बट मुझे मिले ही नहीं, क्योंकि शायद अंधेरा था, लाइट भी नहीं थी, तो इसलिए दिखाई नहीं दिया। तो वहाँ पे ये फ्लाईओवर उतरने के साथ में ना वहाँ पे गार्डन जैसा था, तो अमन देखिए वहाँ पे अमन और शिफा दोनों वहाँ पे चले गए। तो मैं और मम्मी ने भी वहाँ पे थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह निकाले। फिर हम लोग भी वहाँ पे सामने जो जैन बिल दिख रहा है वहाँ पे हम गए थे, लेकिन हर एक राइड का 25 रुपीज़ चार्ज था। तो हम लोग ने टिकट्स तो निकाले नहीं थे, लेकिन अमन गार्डन में गया तो मेरे लायक कुछ गेम्स थे ही नहीं वहाँ पे, तो मैं जाके क्या करती, मैं बोर हो रही थी। हम जा रहे हैं राइड्स में खेलने के लिए, बहुत रात हो गई है और आपको आवाज़ भी नहीं आ रही शायद मेरी, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे गेम्स हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो हम जाते हैं अभी राइड्स खेलने के लिए और फिर मिलते आपसे दीदी। तो अब यहाँ पे लोग आ गए, तो देखिए कितनी बड़ी लाइन है यहाँ पे, कितने लोग हैं। तो यहाँ पे डैशिंग कार है, फिर बहुत सारे अलग अलग तरीके की राइड्स हैं। तो अभी अमान को ऐसा है कि मुझे जाना है झूले में बैठने के लिए, क्योंकि वहाँ पे गार्डन जैसा कुछ तो है, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं वहाँ पे खेलने के लिए। तो अमान का ऐसा है कि मुझे वहाँ जाना है और मुझे जाना है राइड्स पे, क्योंकि इन लोग के गार्डन में जाके मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे लायक का कोई गेम ही नहीं है। तो इसलिए मैं सोची कि, तो मम्मी को मैंने फोर्स किया कि पहले मुझे बिठा दो फिर इन लोग अपना खेलते रहेंगे। तो मम्मी भी जा रही है टिकट काउंटर पर, वहाँ पर जाके देखती है कि कितना फीस रहे उसका, कितना चार्ज है, उसके बाद में फिर देखेंगे। तो आप ये वाला राइड देख सकते हो, ये वाले राइड पे मैं बैठी थी और अमान को भी बैठना था, लेकिन मेन प्लस पॉइंट ये था कि 18+ के ऊपर अलाउड नहीं है, छोटे बच्चे अलाउड ही नहीं है। तो इसलिए फिर अमान को जाना था एक्चुअली डैशिंग कार में, लेकिन ये राइड की वजह से बेचारा जा नहीं पाया और मेरी वजह से भी नहीं जा पाया। बाद में वो बहुत गुस्सा भी हो गया था, तो इसलिए बाद में फिर मम्मी ने उसको टॉय ट्रेन में बिठा दी। तो 18+ के ऊपर के ही बच्चे बैठ सकते हैं, उसके अंडर नहीं बैठ सकते। तो इसलिए अभी देखते हैं अमान का मूड का एक्सप्रेशन क्या रहता है। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मतलब डर भी लग रहा था, मज़ा भी बहुत आया। और मुझे जाना था एक्चुअली दूसरे राइड पे भी, लेकिन अमान और शिफा को भी खेलना था, तो इस वजह से फिर मैंने अवॉइड कर दिया। मैं बोली ठीक है चलो यही एक राइड तो सही, कम से कम खेलते मज़े कर लेते, तो इसलिए हम लोग ये राइड पे बैठे थे। और ये दूसरा राइड था, मुझे एक्चुअली ये राइड में भी जाना था, लेकिन मेन ये था कि मम्मी मतलब लेट भी बहुत हो रहा था, 9 बजने आ रही थी और लाइन भी बहुत थी, तो इसके वजह से फिर मम्मी ने बोली कि एक ही राइड पे बैठो। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्टैचूज़ हैं, जैसे ताजमहल है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के थे, तो मतलब उसका जो व्यू था बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए यहाँ पे लोग आके सब फ़ोटोज़ वगैरह निकाल रहे थे। तो ऐसे कुछ 3-4 अलग अलग थे, तो आप वहाँ पे जाओगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा।
टिकट के लिए इतनी बड़ी लाइन है, और ऑलमोस्ट वो एक आंटी जो थी गार्ड थी, उन्होंने हमको पहले बोल दिया कि ऑलमोस्ट लाइन अभी ख़त्म, मतलब टाइम ओवर होने आया है, तो आप अभी नहीं बैठ सकते। तो इसलिए हम लोग ने एक आंटी को बोले कि हमारा भी टिकट निकाल दो, तो उन्होंने हमारा टिकट निकाले। तो अब हम मम्मी और शिफा तो उन लोग गए टॉय ट्रेन के लिए, मैं और अमान यहाँ पे खड़े। लेकिन अमान की नसीब बहुत ख़राब थे, इसलिए बेचारे को शायद टॉय ट्रेन ही नसीब था। तो मैं तो इतनी बड़ी लाइन थी, हम लोग कितने कहाँ से कितना टाइम लगा हमको ये राइड में बैठने के लिए, कम से कम आधा पौना घंटा हम लोग तो ऐसे ही खड़े थे लाइन में। आप तो देखते हैं अभी कब हमारा टर्न आता है, और आएगा तो बेचारे अमन को टाइम नहीं मिलेगा। अमन ने थोड़ा गुस्सा हो गया है क्योंकि ना वो एक राइड था जो यू ऐसा मतलब ऊपर नीचे वाला, तो उसमें सिर्फ 18 मतलब अबव 18 वालों का ही लिया, मतलब मुझे लिया है, अमन को लिया ही नहीं। तो बेचारा बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि उसको जाना था डैशिंग कार में, पर उसको जाने मिला नहीं इसलिए। और दूसरी चीज़, मम्मी गई है टॉय ट्रेन में, तो मम्मी किधर है वो भी मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे ये फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन स्टार्ट होने वाला है क्योंकि 7:15 बजने आ गए। तो यहाँ पे एक अंकल है जो अपनी नमाज अदा कर रहे हैं, माशाल्लाह उनको ऐसी ही और नमाज अदा हो, अल्लाह ताला उनको ऐसी हमेशा नमाजी रखे माशाल्लाह। तो यहाँ पे जो फाउंटेन है वो स्टार्ट हो गया। तो मैं तो यहाँ पे थी नहीं, मैं एक्चुअली वहाँ पे जो मैंने आपको राइड बताया था ना, मैं वो राइड में हम लोग वहाँ पे थे। तो मम्मी यहाँ पे टॉय ट्रेन का जो लाइन लगी थी ना उधर मम्मी थी, तो मम्मी ने ये शूट किया। तो आप भी एंजॉय कीजिए और हम भी एंजॉय कर रहे हैं। आहान आगे नहीं जाना, गिर जाएगा आहान। आहान ही जा रही है, बच्चे लोग को ले जाते हैं। मैं बैठी हूँ अकेले क्योंकि अमान का तो कैंसल हो गया था, 18+ था बोल के उसको लिया नहीं, तो मम्मी ने उसको टॉय ट्रेन में बिठा दी। तो अब वो टॉय ट्रेन में है मम्मी के साथ। तो अब इन लोग गए टॉय ट्रेन घूमने के लिए और मैं यहाँ बैठी हूँ अकेले अकेले बोर हूँ। देखते हैं लोग अब आते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। अमान और शिफा को दोनों को भेज दी क्योंकि दो ही टिकट थी टॉय ट्रेन की, और
रहमान को भी घूमना था, बेचारा रहमान ने मेरे वजह से वो फंस गया। नहीं 18 प्लस था ना, दो बाद में मुझे और शिफा को बैठना था, तो फिर मैंने अहमान को भेज दिया। अहमान और शिफा तो मुझे चिल्ला रहा था कि मेरे को टैशन कार में बैठना है, पर तेरे वजह से मैं आपको खड़ा हो गया। एक्चुअली लाइन बहुत रहती है यहाँ पे, तो लाइन एक राइड्स के लिए इतनी लाइन लगाना मतलब इट्स बेस्ट ऑफ टाइम। तो मेरा तो एक ऐसे सजेशन रहेगा कि अगर आप लोगों को आना तो राइड्स वगैरह को अवॉइड करके अगर आप सिर्फ घूमोगे और बाकी की चीज़ों के अगर इन्जॉयमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। पहली बात तो टिकट निकालने के लिए लाइन, उसके बाद हर एक राइड्स के लिए लाइन। लाइन मीन्स इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, आपका पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। बाकी और अगर आपको पहले से अगर ऐसा राइड्स के हिसाब से आ रहा हो तो आप पहले ही टिकट निकाल के आ जाओ। तो पहले टिकट भी निकालेंगे तो भी मतलब लाइन लगाना ही होता उतना टाइम। अगर आप अगर आप एक दो घंटे के हिसाब से अंदर आ रहे हो तो आप नहीं कर सकते हो, आपको कम से कम बहुत टाइम लेके आना पड़ेगा बफर में, तभी आप वो इन्जॉय कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि हमें एक दो घंटे के लिए अंदर बुक किया है तो आप भूल के भी टिकट मत निकालिए, बिल्कुल भी मत निकालिए। तो अभी दो दोनों को बिल्कुल सारा शिफा के तो मैं इन लोगों को दोनों को बेचारी शिफा बहुत देर से कुछ डेढ़ दो घंटे से मम्मी और वो दोनों लाइन में खड़े थे, और अहमान भी अभी वहाँ पे चला गया है। मम्मी ने उसको अपनी जगह पे मम्मी ने अहमान को भेज दी क्योंकि उसको अलाउ नहीं था इसलिए मेरे वाले राइड पे। तो अभी इतनी बड़ी लाइन है तो आप सोचो कितना टाइम लगा होगा। बेचारी मम्मी को जाना था पर अहमान को भेज दी। मम्मी पूरा सर्कल भरा हुआ था, हम जाके लाइन यहाँ पे पहुँची। तो ये तो अभी लास्ट टाइम है इसलिए इतनी लाइन है, वरना इससे भी ज़्यादा लाइन है। अवॉइड करिए, वैसे भी मुश्किल से दो या तीन ही राइड थे, राइड अच्छे हैं मगर दो तीन ही राइड थे देखने के लिए और घूमने के लिए काफ़ी कुछ अच्छी है। तो इसलिए अभी मम्मी खुद बैठी है तो आप खुद बैठ गई क्योंकि मेरा राइड हो गया, दो दोनों को बाकी है, दो दोनों को अपने पास हम देखते थोड़ा सीधे भी में खेलेंगे और फिर डैडी आएंगे तो हम चले जाएंगे। तो ऑलमोस्ट अभी अहमान और शिफा की टर्न आ गई है, तो अभी उन लोग अहमान ने जानवर को उसको लास्ट की सीट पे बिठाया, तो फाइनली उसका जो बैठने का ड्रीम था वो पूरा हो गया है। अभी वो बहुत इन्जॉय कर मतलब बहुत एक्साइटेड है कि कब ट्रेन स्टार्ट होगी और कब मैं राइड करूँगा। तो शिफा भी बहुत एक्साइटेड है। फाइनली उन लोग का इतनी देर के बाद टर्न आ गया। अब यहाँ पे उन लोग की ट्रेन पास हो रही है तो मैंने उन लोग ऐसे व्लॉग शूट करने के लिए मैं आ गई। तो इन लोग का यहाँ पे जो राइड है यहाँ पे ख़त्म होने आया है, उन लोग का स्टॉप आ गया है। तो अब अहमान और शिफ और डैडी भी आ गए, तो इसलिए तो अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ये डैशिंग कार का एक्चुअली यहाँ पे भी बहुत लाइन थी, तो उन लोग पता नहीं एक्चुअली अहमान को वहाँ पे भी जाना था लेकिन उतना टाइम था नहीं और टिकट के लिए भी उन लोगों ने मना किए, तो इसलिए मैं वहाँ गए नहीं। और यहाँ पे अहमान और शिफा जो ये जो झूले वगैरह में लोग खेल रहे हैं, मम्मी गई है फ्रेश होने के लिए, अहमान भी बहुत अच्छा इन्जॉय कर, अहमान को यहीं खेलना था लेकिन फिर हम लोग ने उसको डैशिंग कार और ये सब दिखाया तो बोला ठीक है हम लोग पहले टॉय ट्रेन वगैरह में बैठ के आते हैं। तो अभी यहाँ पे अहमान इन्जॉय कर रहे हैं और अभी डैडी का भी कॉल पे कॉल आ रहा है कि जाना है घर पे, ना टाइम होने भी आ गया है, तो डैडी भी कब से हमारा बाहर वेट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ से निकल के बाहर जाएंगे, फिर हमें भूख भी बहुत लगी है तो हम जाके देखते हैं वहाँ पे कुछ खाने के लिए मिलता है और क्या खाएंगे वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। फिर अभी अहमान अभी शिफा और अहमान दोनों झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि शिफा को चाहिए कि मैं अकेले झूलूँ और अहमान है कि उसको कब से धक्का दे रहा है, तो वो चिल्ला रही है उसको कि तुम मत धक्का दे। तो ये दोनों के यहाँ पे झगड़े चल रहे हैं। तभी वो गार्ड आंटी है और टाइम नहीं आया तो इसलिए अभी वो आंटी यहाँ पे लोगों सबको भी निकाल रही, तो हम भी अभी यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी हम लोग डायरेक्ट अब से कार में मिलते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में हम लोग रुके हैं और ये हमारे कजत साइड में ही आता है तो घर से भी थोड़ा नज़दीक ही है, तो हम लोग यहीं रुक गए अद्विका रेस्टोरेंट समथिंग कुछ तो है। तो हम लोग यहाँ पे अंदर गए, अहमान और डैडी गए हैंड वॉश करने के लिए, मम्मी और शिफा ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं सीट पकड़ के, और जब डैडी आएंगे तो उसके बाद हम मेनू देखेंगे कि हमको क्या खाना है और क्या नहीं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आया मसाला पापड़, तो हम पहले मसाला पापड़ को इन्जॉय करेंगे, उसके बाद फिर हमारा
मेनू, उसके बाद हम मेन कोर्स जो है हमारा उसको हम इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे पापा ने मंगाए थे पनीर मसाला और ये चिकन लॉलीपॉप, तो हम उसको इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद में फिर हम जाएंगे घर। तो हमारा ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।